पेशेंट के लिए उसके मन को भाने वाला डॉक्टर वही होता है जो सिर्फ उसका इलाज नहीं करता बल्कि उसके मुश्किल वक्त में उसको एक मेंटोर की तरह संभालता है। तो आप सोच रहे होंगे क्या ऐसा हो सकता है, क्या ये मुमकिन है? जी हाँ दोस्तों, ये मुमकिन है। जिसमें हम आपको हॉस्पिटल के अंदर लेकर जाएंगे, वहाँ का माहौल दिखाएंगे, वहाँ के डॉक्टर्स से मिलाएंगे, वहाँ के स्टाफ से मिलाएंगे, ताकि जब भी आपको उस हॉस्पिटल पे विजिट करना हो तो आपको कुछ भी अटपटा ना लगे। तो आज हम सलाम करते हैं उन सभी डॉक्टर्स को जो एक पेशेंट का मुश्किल वक्त में सहारा बनते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको ऐसे ब्लॉग से इंट्रोड्यूस कराएंगे जिसमें हम डॉक्टर का पेशेंट के साथ भरोसे और सम्मान के रिश्ता मजबूत कराने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हॉस्पिटल टूर ब्लॉग में। जब भी हम बीमार पड़ते हैं तब हमें अपना पर्सनल फैमिली डॉक्टर याद आता है, जिसको हम बोलते हैं मन को भाने वाला डॉक्टर। एक पेशेंट के लिए उसके मन को भाने वाला डॉक्टर वही होता है जो सिर्फ उसका इलाज नहीं करता बल्कि उसके मुश्किल वक्त में उसको एक मेंटोर की तरह संभालता है, सहारा देता है और उसकी बीमारी में दवाइयों के साथ में तसल्ली देकर उसके दिल को मजबूत बनाता है और जिंदगी के हालात में उसको आगे बढ़ने का मौका देता है। तो आज हम सलाम करते हैं उन सभी डॉक्टर्स को जो एक पेशेंट का मुश्किल वक्त में सहारा बनते हैं और उनके इलाज में सहयोग करते हैं। तो दोस्तों, हम अपने ब्लॉग के थ्रू आपको सभी डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स के रूप से रूबरू करवाएंगे और आपको लेकर चलेंगे हॉस्पिटल्स में उन डॉक्टर्स से आपको रिश्ता मजबूत बनाने के लिए जो आपके अपने डॉक्टर्स हैं, और उन हॉस्पिटल से आपका परिचय कराएंगे जहाँ पर वो डॉक्टर्स आपको मिलते हैं, ताकि जब भी आप उस हॉस्पिटल में जाएं तो आपको उस हॉस्पिटल से एक कनेक्शन फील हो। तो आप सोच रहे होंगे क्या ऐसा हो सकता है, क्या ये मुमकिन है? जी हाँ दोस्तों, ये मुमकिन है। हम अपने इस ब्लॉग के थ्रू जिसमें हम आपको हॉस्पिटल के अंदर लेकर जाएंगे, वहाँ का माहौल दिखाएंगे, वहाँ के डॉक्टर्स से मिलाएंगे, वहाँ के स्टाफ से मिलाएंगे, ताकि जब भी आपको उस हॉस्पिटल पर विजिट करना हो तो आपको कुछ भी अटपटा ना लगे और आपको उस हॉस्पिटल के बारे में सभी नॉलेज हो, आपको उस हॉस्पिटल में जाने में कोई हिचकिचाहट ना हो, आपको हॉस्पिटल में डॉक्टर्स बैठने वाले डॉक्टर्स के बारे में पता हो, आपको हॉस्पिटल्स द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली सेवाओं के बारे में पता हो। सोचो दोस्तों, अगर ऐसा मुमकिन हो तो एज अ पेशेंट लोगों को कितनी आसानी होगी उस हॉस्पिटल में विजिट करने में, और आपको अगर आपको पहले ही पता हो कि उस हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं तो आपको इमरजेंसी के टाइम पे बिना कोई वक्त गवाए आपको आप अपने सुटेबल हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं। जैसा कि हम देखते हैं, एक पेशेंट का इलाज करते वक्त डॉक्टर पूरी जिम्मेदारी निकालते हैं, उसके लिए वो बहुत मेहनत करते हैं, बिना किसी लीव के दिन रात हॉस्पिटल में सेवा में लगे रहते हैं, कई बार अपनी पर्सनल लाइफ में सर्वाइव करते हैं लेकिन सेवा और भाव नहीं छोड़ते। इसी तरह से दोस्तों, पेशेंट की भी जिम्मेदारी होती है सही समय पर अपने कंसल्टेंट डॉक्टर के पास पहुंचना और आपकी बीमारी का अपने डॉक्टर को प्रॉपर सहयोग करना। तो हम अपने ब्लॉग के माध्यम से एक पेशेंट को उसके मन के भाने वाले डॉक्टर के को तक और हॉस्पिटल तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये प्रयास हमें कमेंट करके जरूर बताएं और प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो दोस्तों, जल्दी मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ में। धन्यवाद।